भोजपुर में लूटा गया 3 किलो का चांदी बरामद। बिहार के भोजपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां भोजपुर एसपी ने एक उद्भेदन किया है जिसमें 3 किलो चांदी बरामद किया गया है। मामला भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत धनगाई थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक सोना व्यापारी से कुछ रुपए और चांदी के कुछ गहनों की लूट की गई थी, जिसका आज उद्भेदन भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने कर दिया है। वहीं दूसरी घटना गढ़नी क्षेत्र की है, जहां 2 मोबाइल चोरों को गश्ती के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भोजपुर पुलिस की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। पहला सबसे महत्वपूर्ण मामला धनगाई थाना का है। धनगाई थाना अंतर्गत एक महादेव चौक पड़ता है NH 319 पर, जो उस पर एक पीछे पुल है और थोड़ा सा सुनसान इलाका है। वहाँ पे 15 सितंबर को शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास एक अमित अशोक सोनी करके हैं वादी, और ये जगदीशपुर कोतवाली के रहने वाले हैं। ये इनकी एक ज्वेलरी की दुकान है, ये तियर थाना अंतर्गत पड़ती है। तो ये संध्या को अपना दुकान बंद करके आ रहे थे, और इनके पास तो कुछ ज्वेलरी वगैरह भी थी और जो चांदी की सारी ज्वेलरी थी, और उसको वहाँ पे 3 लड़के जो है बाइक से आते हैं और हथियार का भय दिखा के इनका जो झोला था, जो जिसमें ज्वेलरी रखे हुए थे चांदी का, तो उसको छीन लेते हैं। फिर जो हमें जब प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, उन्होंने सूचना देते हैं कि उनके पास लगभग 4 से 5 किलो के आसपास बताते हैं कि चांदी थी, और जिसको जो है अपराधियों ने छीन लिया। जैसे सूचना मिलती है, प्राथमिकी दर्ज करते हुए सहायक पुलिस SDPO जगदीशपुर के नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष जगदीशपुर, धनगाई जगदीशपुर और हमारे DIO की टीम इसमें लगती है। और इसमें हमें बाद में हमने जो डंप डाटा वगैरह लिया और सूचना संकलन किया, तो सबसे पहले एक लड़का अपराधी जो था ये छोटू यादव, इसकी गिरफ्तारी होती है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद फिर जो है सारा इसके केस का उद्भेदन होता है कि कैसे कैसे वो लोग यहाँ से छीने थे। उसके बाद ले जाके एक अमित नाम का ज्वेलर था, जो नारायणपुर थाना का रहने वाला है, नारायणपुर थाना अंतर्गत रहने वाला है, उसके यहाँ ये लोग बेचते हैं, और उसके बाद वो किसी और ज्वेलर को बेचता है। तो इस तरीके से जो है इसमें सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, और इसमें एक दो अभियुक्तों का और नाम है, वो अभी फरार हैं, उनको जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है छोटू यादव, ये धनजी पिता धनजी यादव जगदीशपुर का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। गोपाल सिंह, ये श्रीनगर आयर का रहने वाला है, आयर थाना का, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और अमित सोनार, ये वो ब्लास्ट में इसने ख़रीदा था, ये नारायणपुर थाना का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो इस तरीके से इस लूटकांड का उद्भेदन सफलतापूर्वक किया गया है, और इसमें सारी जो चांदी गई थी, जो उसने अनुमानित 4 से 5 किलो बताया था, उनसे कागज़ भी मांगे तो दिखा नहीं पाए, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि नहीं, जितना सामान गया था उनका मिल गया है। लगभग 3 किलो चांदी जो है ये बरामद हुई है, जो बाद में उन्होंने गला के बेच दिया था, जो है मेल्ट कर दिया था। तो इसकी बरामदगी की गई है, जो आप लोगों के समक्ष है। और इसके साथ साथ जो कुछ पैसे उनके पास से छीने थे, 15,000 रुपये नकद कैश बरामद किया गया है, और 3 मोबाइल इनके पास से बरामद की गई है। 2 मोबाइल इन जो लुटेरे थे इनकी थी, जो जिसमें कई हम लोग सूचनाएँ भी मिली हैं, और 1 मोबाइल वह बरामद हुई है जो वादी से जो छीना गया था, जो है वह मोबाइल भी बरामद हो गई है। और चांदी जो है हमारे लगभग 3 किलो के आसपास है, इसको जो बरामद कर लिया गया है। इस तरीके से ये जो है एक महत्वपूर्ण घटना का उद्भेदन हुआ है। न सिर्फ इस घटना का उद्भेदन, साथ में जो है एक और घटनाओं का इनके द्वारा जो स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है कि पहले भी इन्होंने और कुछ घटनाएँ की थी, तो उसमें भी इनको रिमांड किया जा रहा है और आगे की विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।